हे गाइस, मैं हूं अतुल और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्रीज़ में जो भी केबल्स का यूज़ किया जाता है उसमें जो है पतले पतले बहुत सारे वायर्स का यूज़ क्यों होता है। कि मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे वायर्स मिलके जो है एक केबल बनते हैं। इसका मतलब ये केबल और वायर, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो ऐसा डिफरेंस है। तो इससे रिलेटेड मैंने जो है एक वीडियो बनाया है डिफरेंस बिटवीन केबल एंड वायर, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा। आप उधर से जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने नॉलेज को और भी ज़्यादा शार्प कर सकते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है और ये जो है एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो हर किसी को इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि बहुत सारे वायर्स का यूज़ क्यों किया जाता है एक केबल्स में, तो उसका आंसर आपको सिर्फ एक ही जवाब देना है, वो है स्क्रीन इफेक्ट। लेकिन अब वो आपसे जो है क्रॉस क्वेश्चन ये करेगा कि ये स्क्रीन इफेक्ट क्या है, और यही है आज के इस वीडियो का टॉपिक कि स्क्रीन इफेक्ट क्या है। मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हे गाइस, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि करंट जो है दो टाइप का होता है, एक एसी और एक दूसरा डीसी। तो ये डीसी करंट है, इसके अंदर से जब करंट का फ्लो होता है तो ये फ्लो जो है पूरे कंडक्टर का जो भी एरिया है पूरे एरिया में होता है। लेकिन अगर हम देखा जाए कि एसी करंट का जो फ्लो होता है डिस्ट्रीब्यूशन में, तो उस एसी करंट का फ्लो जो है पूरे एरिया में नहीं हो पाता है। वो जो है सिर्फ जो भी कंडक्टर्स होते हैं उनके सरफेस की तरफ से जो है वो करंट आगे की तरफ फ्लो करते हैं। जो एसी करंट है इसमें ही जो है स्क्रीन इफेक्ट देखने को मिलता है। अब हम लोग एसी सिस्टम में अगर एक सिंगल वायर का यूज़ करेंगे, ये स्क्रीन इफेक्ट जो है अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा जो है डालेगी। और ये स्क्रीन इफेक्ट के वजह से जो है दो ऐसे प्रॉब्लम होकर होंगे जिसके कि सबसे पहले तो इसमें हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा, और दूसरा इसका जो करंट का जो कैपेसिटी है वो जो है बहुत कम हो जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगर आपको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक डंडा दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको जो है हाथ से ब्रेक करना है, तो आप जो है बहुत आसानी से जो है उसे ब्रेक कर दोगे। लेकिन अगर उसी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जैसा 100 डंडे को अगर मैं एक साथ बांध दूं और आपको बोलूं कि इसे ब्रेक करो हाथ से, तो आप कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, उसका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। ये सेम क्राइटेरिया जो है हमारे स्क्रीन इफेक्ट में होता है। स्क्रीन इफेक्ट जो है अगर हम लोग सिंगल एक पीस का यूज़ करते हैं वो वायर का, जिसकी वजह से स्क्रीन इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता, वो जो है करंट को सही से कैरी नहीं कर पाता, हीट लॉस बहुत ज़्यादा होता और हमारा जो है कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता। बस अब इसी स्क्रीन इफेक्ट को जो है अवॉइड करने के लिए बहुत सारे वायर्स को एक साथ मिलाया जाता है और उसी वायर से जो है केबल जो है बनाया जाता है, जिसका रिजल्टेंट जो है बहुत अच्छा मिलता है हम लोगों को। हम लोग उसमें जो है करंट का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं, उसका जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसका एफिशिएंसी जो है बहुत हद तक इंक्रीज हो जाता है। गाइस, ये स्क्रीन इफेक्ट से रिलेटेड मैं आपको जो एक फैक्ट बताता हूँ, ये आपको जो है याद रखना है। अगर हमारा फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से कम है और हम लोग जो भी कंडक्टर का यूज़ कर रहे हैं, कंडक्टर अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है, तो उस जगह में स्क्रीन इफेक्ट को हम लोग जो है नेग्लिजिबल कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन इफेक्ट है ये चार फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। सबसे पहले कि कौन सा मटेरियल का आप जो है कंडक्टर यूज़ कर रहे हो, दूसरा डायमीटर ऑफ ए कंडक्टर, तीसरा हो गया हमारा शेप ऑफ द कंडक्टर, और चौथा हो गया फ्रीक्वेंसी। तो गाइस, ये चारों के ऊपर जो है ये स्क्रीन इफेक्ट डिपेंड करता है। गाइस, तो मैंने अभी आपको जो भी बातें बताया यही रीज़न है कि किसी केबल्स में बहुत सारे वायर का यूज़ क्यों किया जाता है। तो गाइस, अगर आपको मेरे बताने का टेक्निक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बनाया है जहाँ पर बेसिक इलेक्ट्रिकल के सभी वीडियोज़ जो है आपको उधर मिल जाएंगे, तो अगर पॉसिबल हो सके तो वो सारा वीडियोज़ देख लीजिए, क्योंकि उससे जो है आपका इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी नॉलेज है वो जो है बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगा। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।